बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब व्यूवर्स ठीक ठाक हर वजह से होंगे। तो ये दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए 1x30x55 का मजीद घर का प्रपोजल। इससे पहले भी आपको मेरे इस चैनल पर इस साइज़ के बहुत ही अच्छे अच्छे से प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लाट है या ऐसे कुछ मिलता जुलता है तो आप इसको एक बार जरूर चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए जी, कहते हैं जी आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी इस तरह के घरों के अच्छे अच्छे से प्रपोजल बना चाहते हैं तो साथ देने नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा सा काम करके दिया जाएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पर। मेन गेट के सामने आपको कार पोर्च मिलेगा जिसका साइज़ हमारे पास तकरीबन 15 फीट बाई 17 फीट 14 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक 17 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए मिल जाएंगी। राइट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 4 फीट वाइड का आ जाएगा। तो सीढ़ियों के अलावा भी आपके पास तकरीबन 11 फीट की स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी गाड़ी वगैरह इजीली पार्क कर सकेंगे। इसके अलावा बाहर की तरफ शेड आ जाएगा, जिसको हम ऊपर को कवर्ड कर सकेंगे और ऊपर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक कदम मजीद डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम का साइज़ है हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाय 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें अपनी सोफ़ा वगैरह लगा सकेंगे। वेंटिलेशन को देखा जाए तो एक कॉर्नर विंडो मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको एक अटैच पाथ मिल जाएगा 7 बाय 4.5 का, 7 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 4.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसको आप ड्राइंग वाले लोग या अंदर वाले लोग भी इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। वेंटिलेशन को देखा जाए तो एक कॉर्नर विंडो मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे जी तो आगे आपको चैम्फर कंडीशन में मिलेगी मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा, डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके टीवी लॉन्च की तरफ। टीवी लॉन्च का साइज़ है हमारे पास 14.5 फीट बाय 17.5 फीट, 14.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 17.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। दोनों के दरमियान यानी कि लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में आपको एक आर्च मिल जाएगी, स्लाइडिंग डोर लगा के आपको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही लेफ्ट साइड पर आपको मिल जाएगा इसमें एक बेडरूम, इस घर के लिए पहला बेडरूम मिल जाएगा। इसको एंट्रेंस मिलेगी इस बेडरूम की मदद से। इसका साइज़ हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाय 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। एक बड़ी सारी सी वार्डरोब अलमारी वगैरह आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगी। इसके साथ ही इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अटैच बाथ। बाथ का साइज़ है 6 बाय 8 का, 6 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इस मकसद के लिए हमने सेंटर में दिया है एक ओपन टू स्काई, जिसका साइज़ है हमारे पास तकरीबन 7 फीट बाय 3 फीट 6 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम को इस वाली पैचों से बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसमें एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी और इसका भी वेंटिलेटर आपका इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगा। इसके साथ ही बैक साइड पे आते हैं तो इस घर का दूसरा बेडरूम इस वाली जगह पे मिल जाएगा। इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ आपको अलहदा से सेपरेट से ड्रेसिंग यानी 6 बाय तकरीबन 5 फीट की इसमें ड्रेसिंग मिल जाएगी और 6 बाय 7 का आपको इसमें एक अदद बाथ मिल जाएगा। और इसके ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इस घर के लिए एक अदद किचन। किचन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 9 फीट बाय 13 फीट, 8 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। ओपन कंडीशन में आपको किचन मिल जाएगा। बैक साइड पे आपको एक अदद 3 फीट वाइड का ओपन मिल जाएगा और इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले किचन की विंडो ओपन हो जाएगी। इसके साथ आपको एक अदद छोटा सा डोर भी मिल जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस वाली जगह को भी यूटिलाइज कर सकेंगे। इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी आपका इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगा और इस वाले बेडरूम को इस वाली जगह से भी वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। ये थी जी आज की वीडियो, अब कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये था हमारे पास 30x55 का एक खूबसूरत घर का प्रपोजल, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल मैचिंग के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। मेन गेट के सामने आपको कार पोर्च मिल जाएगा, कार पोर्च में सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए मिल जाएंगी। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के साथ अटैच बाथ, चैम्फर कंडीशन में मेन एंट्रेंस, डबल डोर मिल जाएगा, आगे टीवी लॉन्च मिलेगा। लेफ्ट साइड पर आपको इसमें एक बेडरूम मिल जाएगा, बैक साइड पर इस घर का दूसरा बेडरूम आ जाएगा, दोनों बेडरूम के साथ अटैच बाथ मिल जाएंगे। राइट साइड पे बैक कॉर्नर पे आपको इस घर के लिए किचन मिल जाएगा और पीछे की तरफ आपको एंड में एक अदर 3 फीट वाइड का ओपन मिल जाएगा। तो ये थे जी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, मिलते हैं एक अदर और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।